छपरा से भाजपा के सांसद राजीव प्रताप रूडी इन दिनों सवालों से घिरे हैं। दरअसल राजीव प्रताप रूडी के कार्यालय में जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने रेड कर दिया था। पूर्व सांसद ने रेड कर दिखा दिया पूरे बिहार को किस तरीके से संक्रमण काल में राजीव प्रताप रूडी ने अपने सांसद निधि से खरीदे गए एम्बुलेंस को छुपा रखा है, कवर से ढका गया था। इसके बाद पप्पू यादव ने जिस तरीके से रेड किया, बिहार में सियासी बवाल मच गया। राजीव प्रताप रूडी सफाई देने उतरे, कहें कि ड्राइवर की कमी है। पप्पू यादव ने ड्राइवरों की फौज तैयार कर दी, लेकिन अब पप्पू यादव के साथ तेजस्वी यादव उतर चुके हैं, तेजस्वी यादव की पार्टी उतर चुकी है। कल देर रात ही तेजस्वी यादव ने भी इसको लेकर ट्वीट किया और कार्रवाई की मांग की राजीव प्रताप रूडी पर। राष्ट्रीय जनता दल पूरी तरीके से हमलावर है। छपरा की हम जब बात कर रहे हैं तो छपरा राबड़ी देवी का भी संसदीय क्षेत्र रहा है। राबड़ी देवी भी यहाँ से चुनाव लड़ती रही हैं, लेकिन अब जब राजीव प्रताप रूडी वहाँ से चुनाव लड़े जीते हैं, तब लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव भी हमलावर हैं। उनकी पार्टी पूरी तरीके से अब मोर्चा खोल रखी है। जैसे सफाई दे रहे हैं राजीव प्रताप रूडी, उसका जवाब रखा इन लोगों ने, क्योंकि राजीव प्रताप रूडी की ओर से कहा गया कि देखिए पप्पू यादव जी, हमारे एम्बुलेंस का इस्तेमाल कहाँ होता है। मरीज को ले जाते वक्त की एक तस्वीर साझा की गई, लेकिन थोड़ी देर बाद ही आरजेडी और जन अधिकार पार्टी ने एक वीडियो जारी किया और कहा कि देखिए राजीव प्रताप रूडी के एम्बुलेंस से तो अब बालू ढोया जा रहा है, बालू की ढुलाई हो रही है। लेकिन अब जो बड़ी खबर है, देखिए राजीव प्रताप रूडी पर बड़ा आरोप लगाया है राष्ट्रीय जनता दल ने। कहा है कि जो एम्बुलेंस है उससे शराब की तस्करी होती है, रोजाना के 3 करोड़ रुपए की इनकम है। हम आपको दिखा रहे हैं ट्वीट, शक्ति सिंह यादव का ट्वीट, अब देखिए तेजस्वी यादव ने भी इसे रीट्वीट किया है। छपरा से एक व्यक्ति ने एक्सपीरियंस और गणित के तालमेल से जानकारी दी, कुल एम्बुलेंस की संख्या इक्वल टू 60, एक एम्बुलेंस में 50 कार्टून यानी कि 60 एम्बुलेंस में 3000 कार्टून, एक कार्टून के दाम 10000, तो 3000 कार्टून का 3 करोड़ यानी रोजाना 3 करोड़ का बिजनेस हो रहा था। हैशटैग राजीव प्रताप रूडी। और आप देख सकते हैं किस तरीके से आरजेडी अब हमला बोल रही है। आरजेडी का यह बयान बता रहा है कि बिहार में राजीव प्रताप रूडी को घेरने में विपक्ष ने कोई भी कमी कसर नहीं छोड़ा है। चाहे आप जिस मुद्दे पर सफाई देंगे, उन तमाम मुद्दों पर जवाब भी रखा है आरजेडी ने हो या फिर जन अधिकार पार्टी ने। पप्पू यादव के साथ तेजस्वी यादव मैदान में उतर गए हैं अब बीजेपी को घेरने, क्योंकि राबड़ी देवी की वो सीट रही है, राबड़ी देवी वहां से चुनाव लड़ती रही है। लेकिन राजीव प्रताप रूडी पर एक बड़ा आरोप अब आरजेडी का, इन्हें एम्बुलेंस के माध्यम से तस्करी की जाती है जिससे 3 करोड़ रुपए अब डेली वहां पर इनकम होता है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं, आरजेडी का बड़ा आरोप भारतीय जनता पार्टी के सांसद राजीव प्रताप रूडी पर। आपको बता दें कि राजीव प्रताप रूडी के कार्यालय में जाप के सुप्रीमो पप्पू यादव ने रेड किया था, तब एम्बुलेंस मिली थी, लगभग 40 एम्बुलेंस छुपाई गई। और इसके बाद बिहार में सियासी बवाल मचा है। पप्पू यादव के इस संग्राम में साथ दे दिया है तेजस्वी यादव ने, और अब राष्ट्रीय जनता दल आरोप लगा रही है कि प्रतिदिन 3 करोड़ रुपए की शराब की तस्करी होती है 60 एम्बुलेंस से। आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें, लगातार यहां खबरों का सिलसिला जारी है। धन्यवाद।